बारिश हो रही है क्या? ओहो, अरे यार आज क्यों नहीं थी क्या बारिश? सब कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। बस फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं भाई, बहुत लेट हो गए वैसे भी। और ये देख रहे हो भाई, डाइटिंग चल रही है, डाइटिंग फुल फ्लैश जोरों शोरों से डाइटिंग चल रही है। तो फटाफट ये निपटाते हैं। चीयर्स। बस यार फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकले, ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 12 बज चुके हैं। और ब्रेकफास्ट देख रहे हो भाई, फुल फ्लैश डाइटिंग चल रही है। बस ये पॉमी पपाया खत्म, ब्रेकफास्ट कितने में? इतनी बारिश में भैया ने बेचारे ने साफ किए सुबह सुबह, कोई फायदा नहीं पड़ा उसका, गंदी तो होनी होनी। अब चलो जो होना है तो होना ही, क्या करें। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन कहाँ जा रहे हैं यार, आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो एक्चुअली अपने भाई की आज गाड़ी की डिलीवरी है, और वो गाड़ी कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आगे जाके नहीं देखना। और अगर सही गाड़ी निकली यार, मेरी तरफ से अपने आपको थपथपा देना, शाबाश ऐसे। यार आज का मौसम लेकिन यार थोड़ा सा पोपट हो गया, तो बारिश सुबह से, बल्कि सुबह से नहीं रात से लगी हुई है बारिश। तो था कि चलो कई सारे प्लान्स है यार, ड्रोन शॉट ये वो, पर बारिश रुकने से मतलब है यार, बारिश रुकनी चाहिए। देखना रात से ही बारिश हो रही है, और इसकी वजह से ना यार ये किचकिच इतनी मस्ती है ना गाड़ी की, तो भाई सत्यानाश हो जाता है। गाड़ी के साफ किए कोई फायदा नहीं। यहाँ तो भाई जोरदार बारिश हो, इतनी जोरदार सब फ्लश आउट हो जाए भाई। लेकिन आज प्लान इतने सारे थे ना, मैंने कई सारी चीजें सोची हुई थी कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट यार अगर हाईवे पे ऐसी बारिश रही ना भाई, कट जाएगा अपना वही। चलो मेरे इस टायर में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। पहले भी इसी टायर में हवा कम हुई थी, मैंने भरवाई थी, पंचर चेक कराया था, कोई पंचर नहीं था, फिर से इसमें कम होगी। पता नहीं भाई क्या ही रोल है यार इसका, इन्हें खुलवा के अच्छे से चेक करवाना पड़ेगा आज आके। चलो आज का सफर निकल जाए, उसके बाद आगे करवाते हैं उसको चेक। भाई पूरी ट्राई सिटी में एक ही टूटा रोड रह गया। अब कभी दिल्ली जाना हो भाई, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बस फाइनली यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया सा रोड है। बस ये है यार, बारिश रुक जाए तब मजा है। तो जी बात करें हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं रोहतक हरियाणा। एक तो तू पहले टेटर कर ले, तो पहले इसको बंद कराता हूँ। एक सेकंड देवी, चलो तुम्हारा काम हुआ खत्म। तो हम जा रहे हैं रोहतक हरियाणा, और वहां पर आज हम लेंगे अपनी गाड़ी की डिलीवरी, नॉट अपनी बट अपनी फैमिली की गाड़ी की। अपने को तो भाई अभी जरूरत नहीं है, अपना तो इसमें ही खुश है, अपनी एक्सयूवी जिंदाबाद। जब टाइम आएगा तो लेंगे, लेंगे बिल्कुल लेंगे भाई। अपने तो मान ही लिया होता ये गर्मियां तो लगभग आ ही गई है, और अगले 10 महीने भाई छिक के गर्मी खानी है। बट थैंकफुली यार बारिश हो गई, थोड़ा सा कूल डाउन हो गया मौसम। और यार बस ऐसे मैं तो कहता 3-4 महीने और ऐसे रहे, हमेशा ही ऐसे रहे 3-4 महीने। भाई गर्मियों से कोई प्यार नहीं है भाई, ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहे मौसम, ठंडा ठंडा हल्का हल्का सा। कई दिन से पैक पड़ा हुआ था, जब से बिरबिलिंग से वापस है तब से हमने उड़ाया ही नहीं इसको। चलो कनेक्ट हो जाए पहले, उसके पैक से उड़ाते हैं इसको। रुक जाते हैं, 3-2-1।
हर जगह स्पीड वाले जो कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए। कैसे पता? क्योंकि भाई अभी तक कई बार मैं इस रोड से जा चुका हूँ और मेरे दोस्त भी जाते हैं तो वो भी जैसे हाई स्पीड में चलाते हैं, तो भाई उनका चलान नहीं आया अभी तक। तो जिसका भी हमारे सर्कल में चलान आ जाएगा, हमने आपस में बात कर रखी है, जिसका भी चलान आएगा भाई बता देगा। तब तक जो है मजे लूटो, भगा लो गाड़ी। तो बाकी यार वैसे जैसे ही दिखा कि आगे कैमरा आने वाले, अपनी स्पीड कम कर लो, 100 से कम कर लो, क्योंकि 100 की लिमिट है इस रोड पे। बस जब ये क्रॉस हो जाए फिर से नॉर्मल पे आ जाओ। वैसे कोई देखो डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है इन पे, तो अभी तक तो बंद है। हाँ 96 दिखा के डरा देते हैं कि आपकी स्पीड ज्यादा है कम है, लेकिन अभी तक थैंकफुली कोई चलान नहीं आया भाई। यार इसके बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं पहले एक एरर दे रहा था, अब दो दो एरर दे रही है, क्या चक्कर है? हाँ ठीक है, टायर प्रेशर एक कम है, है? पागल यार। एक चीज तो है, जो एक्सयूवी वाले टायर दे रहे हैं ना साथ में एमआरएफ के, भाई बकवास टट्टी, भाई बिल्कुल बकवास। मतलब अभी तक मेरी 16,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और 4-5 बार पंचर हो चुका है टायर, और कभी हवा लीक हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कुछ है, यार 100 लोचे हैं भाई इस टायर के। और दूसरी होंडा में मैंने मिशलिन के टायर डलवाए थे, आज तक शायद एक बार पंचर हुआ है जब से मैंने डलवाया, और कम से कम वो 40-50,000 किलोमीटर चल चुके टायर ऑलरेडी। बट ये तो भाई बकवास, निरे बकवास टायर भाई। अगर एक्सयूवी ले रहे हो ना नई नई गाड़ी के, भाई टायर चेंज करवा लेना पक्का, याद से रद्दी टायर भाई एक नंबर के। फिर से काले बादल निकला है, अभी पीछे ऐसे इतना साफ मौसम हो गया था, नीला आसमान हो गया था पूरा, फिर बारिश वाला मौसम बन गया। अरे यार आज तो मेरे को सारा दिन ही ऐसा है। प्रभु कल परस लेते, गाड़ी धुलानी पड़ जाएगी फिर से पूरी। सुन लो, सो फाइनली अपन यार रोहतक के लिए कट ले चुके हैं, और यार शीशे में देखना भाई कितने मर्डर किए मैंने, पूरे शीशे में मर्डर ही मर्डर है, दिखना ही बंद हो गया। तो यार गाड़ी लगा के पहले शीशा साफ करते हैं भाई, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा आगे का। चलो यहाँ लगाते हैं साइड में भाई, हद भर रखा है पूरा शीशा, साफ होना बहुत जरूरी है आगे से क्या हालत है गाड़ी की। बारिश वाले देवता ज्यादा ही मेहरबान है, थोड़ी देर होती नहीं है फिर शुरू हो जाते हैं, बूंदाबांदी शुरू हो ही गई है फिर से। तो शीशा अपना एकदम हो गया टनाटन, फटाफट बैठते अंदर और पहुंचते हैं रोहतक। हरियाणा एंटर करने की निशानी भाई, मोटे मोटे स्पीड ब्रेकर और ये मोटे मोटे बैल। भाई होंडा सिटी होती है ना भाई, बीपी हाई हो जाता है सच में। एसयूवी तो ठीक है, एसयूवी तो पता है आराम से निकल जाएगी, भाई नीची गाड़ी होना दुख दुखी होनी शुरू हो जाती है स्पीड ब्रेकर, अब बजी और ये गड़क ऐसी हो जाती है बस सीधी। तो जी हम रोहतक पहुंच चुके हैं, और आज तो भाई वरुण देवता कह रहे हैं कि गाड़ी को, नई गाड़ी को जो है भिगा के ही छोड़ेंगे, नहीं मानेंगे। अच्छी वाली धूप निकली हुई थी बट पहुंचते पहुंचते यार तेज बारिश शुरू हो चुकी है। चलो एनीवेज मुहूर्त ही सही, तो बस अभी यार थोड़ा सा खाना खुना खा के बस फिर निकलेंगे शोरूम पे, क्योंकि 4:30 का टाइम दे रखा है डीलर ने। चलो पहुंचते हैं। फासले दरमियां
पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। भैया फुल कर दो, जान दो। शिव मड़िया कैसा लग रहा है आपको? अभी भरवाते रहोगे? अभी अक्सर भरवाते रहोगे? पेट्रोल गाड़ी है। अब इनके साथ ना वो भाई बंदी डाल लो, है ना भैया? अगर भाई बंदी डाल अक्सर आते रहेंगे अब तो। ये गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं ये मेरी गाड़ी है, मैं लेके जाऊंगा। अब एक्सयूवी आप ले जाओ, ये वाली मैं लेके जाऊंगा, डन। अच्छा बड़ी वाली की भी आप रख लो। फर्स्ट फ्यूल अप, 60 लीटर आ गया इसमें। सही बोल रहा हूँ, खून पे चलती है यार। इंटीरियर की बात करूँ, बाय गॉड बहुत ही प्रीमियम है यार। देख रहा, स्क्रीन तो पूरी ऐसे ना, आईपैड का भी बड़े पापा होते हैं उतनी स्क्रीन है इसकी। मतलब मेरे दो हाथों जितनी इसकी स्क्रीन है लगभग। और यार ये गियर नॉब, मतलब सभी गाड़ियों में एक तो MG का सबसे बेस्ट है और दूसरा Hyundai का। दोनों ऐसे लगते हैं जहाज होता है ना, बस जहाज वाला कॉकपिट वाला साइज। ओके तो ये वाला सिस्टम है, गियर सिस्टम। बाकी यार यहाँ इको मोड आ गया और ये इन्होंने अच्छे से दे रखे हैं यार, पार्किंग रिवर्स, और ये बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स मोड है। शायद अपनी एक्सयूवी नहीं है, हमेशा वो स्पोर्ट्स मोड पे रहती है भाई। व्हाइट कलर की लेते हैं तो यार ये बेज सा इंटीरियर है इसका, और अगर ब्लैक कलर की लेते हैं MG तो उसमें टैन से कलर का, ब्राउनिश से कलर का। तो बाकी यार इंटीरियर वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब इसमें वैसे भी ADAS लेवल 2 है, XUV से हटके बताऊं इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ADAS लेवल 2 है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और एम्बिएंट लाइट है जो उसमें नहीं थी, और बाकी तो यार लगभग सी ऑलमोस्ट से फीचर वही है। तो लेकिन बस ये है कि अपने सेगमेंट की अब ये गाड़ी जो है सबसे ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ी है। पहले XUV थी, अब XUV से दो चार फीचर फालतू हैं इस गाड़ी में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेल गेट भी आ गया अभी इसका, तो ये अंदर से ही डिग्गी खुल जाएगी, और पीछे भी जो है बटन दिए हुआ है और इलेक्ट्रिकली खुल जाती है। बाकी स्पेस तो वही डिसेंट सी स्पेस है। मेन्यू में बहुत इंप्रूवमेंट की हुई यार, अब इसका हर चीज जो है ऑब्वियसली साइज बड़ा कर दिया है, तो मेन्यू भी जो इन्होंने काफी स्टाइलिश कर दिया हुआ है। टच बहुत रिस्पॉन्सिव, मैंने पुरानी वाली जो हेक्टर है उसको मैंने देखा हुआ है, उसका यूज किया है, पहले बहुत लैगी सा होता था, अब लैगी नहीं है यार, ये चीज अच्छी है इनकी। ये इसका मेन होम स्क्रीन है, और यहाँ से इनका 360 ये कैमरा बहुत बढ़िया। ये 2D आ गया, ये 3D हो गया। Nice. बड़ी स्क्रीन है, ऑब्वियसली घुस के आप देख सकते हो भाई की कहीं अपनी गाड़ी बजने सुनने वाली। ठीक है यार, अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी आती है उसमें अच्छी, मतलब अपने जो कंपटीटर है उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट कर देनी चाहिए। तो अपने कंपटीटर वाले फीचर तो दे ही दो, उससे दो चार और एडवांस फीचर दो, तब भी मजा है भाई, मोनोपोली तभी हटती है। तो यार डिलीवरी का प्रोसेस अपना पूरा हो चुका है, तो फाइनली अपने पास MG हेक्टर आ चुकी है। तो यार अभी फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस बताऊं यार, अच्छी गाड़ी है, फीचर लोडेड गाड़ी है, मतलब अभी ऑब्वियसली जब तक पंगे नहीं लेंगे तब तक तो मजा भी नहीं आएगा, और पता भी नहीं लगेगा नए नए फीचर्स एक्चुअली में है क्या। और देखो यार बाकी अगर मैं फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस अपना बताऊं, तो कोई गाड़ी दुनिया में परफेक्ट नहीं होती है, अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें है तो कुछ नेगेटिव चीजें भी होगी। तो अच्छी चीजें वो आपको पता है, फीचर्स है, ये गाड़ी बेसिकली है टेक लोडेड गाड़ी है। अगर आपको फीचर्स पसंद है, ADAS हो गया, 360 कैमरा एंड ऑल, मतलब आप गैजेट फ्रीक हो ना अगर, तो यार ये गाड़ी में आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, तो ये मेरा कंक्लूजन है। हाँ अब जो अगर नेगेटिव की बात आती है, नेगेटिव देखो इसमें दो है जो मुझे लगा पर्सनली। पहला जो ये पेट्रोल इंजन है, ये 1.5 लीटर में आता है, सेम इंजन है जैसा आप समझ लो कि वर्ना या होंडा सिटी में आता है। तो एक सिडान का इंजन एक SUV में दे रखा है, तो ऑब्वियसली उतनी पावर ये जनरेट नहीं करता। अभी जैसे मैंने एकदम से इसको एक्सेलरेट किया था,
तो उसमें मतलब उठने में टाइम लेती है, एकदम से पिकअप नहीं है इसका। और ऑब्वियसली जब 7 लोग बैठ जाएंगे बीच में तब ये एकदम से नहीं उठने वाली है, थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा पास वगैरह लेने के लिए। और दूसरा नेगेटिव जो यार ऑब्वियसली वो मेरी एक्सयूवी में भी है कि एवरेज, हाँ सही बात है कि 1.5 लीटर है, थोड़ा सा बेटर एवरेज अपनी वाली एक्सयूवी से होगा, बस 19-20 का फर्क समझ लो, क्योंकि ऑब्वियसली इसको उठने के लिए भी जान लगानी पड़ेगी और जहां जान लगेगी वहां पर ऑब्वियसली यार एवरेज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर मेरी एक्सयूवी 9-10 के अराउंड एवरेज देती है तो इसकी 10-11 के अराउंड आप एवरेज मान के चलो, इससे ज्यादा आपको नहीं देने वाली भाई। और यही अगर आप इसको दबा के चलाओगे फिर ना मिलती भाई एवरेज, फिर तो वही 4-5-6 तक ही एवरेज जाएगी, तो चलाने पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम लेकिन इसकी एवरेज मतलब वही बड़ी हद मार के हाईवे पे मक्खनजा रोड है फिर आप रख लो कि 11-12 मैक्सिमम इतनी पहुंचेगी, इससे फालतू नहीं मिलने वाली भाई पेट्रोल में एवरेज। बट इसका जो डीजल इंजन है वो 2.0 लीटर है और वो सेम इंजन है जो जीप में आता है इसका, तो वो पावरफुल इंजन है। बट यार जहां एनसीआर के, अब जैसे हम रोहतक है, रोहतक एनसीआर के आसपास ही पड़ता है और इसको एनसीआर में काम है यार, वो तो पेट्रोल लेके राजी है क्यों? तो यार जब से वो एनसीआर वाला रूल आया ना 10 और 15 साल वाला, भाई हर कोई पेट्रोल ही प्रेफर करता है कि 15 साल में ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन उसकी कम होती है और जब बेचने का टाइम आता है 5-6-7 या 8 साल बाद तो अच्छे रेट पे निकल जाएगी एज कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि डीजल की भाई कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। तो धीरे धीरे भाई कंपनी वैसे भी डीजल खत्म कर रही है, जैसे हुंडई ने अभी जो वरना निकाली है डीजल में निकाली ही नहीं, तो धीरे धीरे भाई डीजल का जो है दी एंड आने वाला है, या ईवी हाइब्रिड या पेट्रोल, 3 ऑप्शन रह जाएंगे। यहाँ पर पहले भी रुके हैं भैया, 1000 का कर दो ना ना, पेट्रोल जान दो, है कि 97 है ना, बट ठीक है बस हो गया 0, बस आधी टंकी हो गई है, मोहाली तक तो पहुंच ही जाएगी। तो यार एक्चुअली मैंने फ्यूल अप भी 1000 का क्यों कराया, क्योंकि मैं ना इस पे ना एक टेस्ट करने की प्लान कर रहा हूँ। तो टेस्ट क्या है यार कि वो आप अगले वीडियो में देखना, अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में आ ही जाएगा वो, तो वो चीज हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आई जस्ट वांटेड कि जब तक हम घर पहुंचे या जो नेक्स्ट जो भी हम वीडियो बनाए तब तक भाई गाड़ी की टंकी बिल्कुल खाली होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तभी वो टेस्ट हो पाएगा। तो इसलिए मैंने पूरा तेल भरवाया इतना कि बस मोहाली पहुंचा दे बस। अगर आपको यार टेक्नोलॉजी फ्रीक हो, आप टेक्नोलॉजी आपको पसंद है तो आप हेक्टर पे जा सकते हो, अगर आपको एवरेज लेनी है फिर आप सफारी भी जा सकते हैं क्योंकि उसमें पेट्रोल इंजन आता नहीं है, डीजल ही आता है, इसलिए आपको एवरेज भी ज्यादा मिलेगी। और अगर आप पावर चाहते हो यार, भगाने वाले बंदे हो भाई, आंख बंद करके एसयूवी, इसका तोड़ नहीं है अभी तक एसयूवी वाले सेगमेंट में। यस, तो इसको तो अपन मैजिक से साफ कर देंगे, 3-2-1 होगी ना साफ। एक क्लिप में देखा होगा भाई, ऐसे मूर्ख होते हैं जो कट पे बिल्कुल सीधा इसी लेन में जो मेन एक्सप्रेस लेन है यार उस पे आ रहा है, बताओ इडियट्स, कुछ नहीं हो सकता भाई, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोग जब तक है यार, सीरियसली खुद भी मरेंगे दूसरे को मारेंगे। ये अभी आगे वाली गाड़ी ने इतनी जोर की नीचे बजी है ना, ये वाला खड्डा भाई देखना, पूरी गाड़ी हिलगी, सेडान तो ढक करके बजी है अभी नीचे, के दिल पे क्या बीती होगी मुझे पता है भाई, मैं भी सेडान वाला बंदा हूँ। तभी हम कहते हैं भैया एसयूवी लीजिए, सेडान लेने का टाइम गया, अब ना ही फायदा है सेडान लेने का, क्योंकि सेडान लोगे तो गाड़ी ठप करके बजेगी। सो फाइनली घर आके पहुंच चुके हैं यार, तो बाकी यार फटीगनेस नहीं है, बिल्कुल मजा ड्राइव थी, रोड बहुत बढ़िया था, ट्रैफिक नहीं मिला मेन बात। और बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट लाइक, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब, और अगली वीडियो मिस बिल्कुल मत करना क्योंकि यार अपन बहुत बढ़िया वाला एक एक्सपेरिमेंट नया करने वाले अपनी एक्सयूवी पे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।
और ये देख लो थका हारा इंसान सारा दिन धके खा खा के वापस पहुंचे और ये देखो घास फूस खाने को मिलता है। बीवी कुछ तो अच्छा बना दिया करो। गालियां पड़ेंगी, गालियां खाने से अच्छा यही खा लो। बाय बाय।